जो हमारे होस्ट थे मिनिस्ट्रीज की, इन सब के साथ लाइजनिंग करने के लिए 6 महीने से इसमें दिन रात काम चल रहा था। खाना कैसे पहुंचेगा पुलिस वालों को जब वो इतने दिन दिन रात काम करेंगे? वायरलेस से मैसेजेस आने थे तो उसके लिए बहुत सारे नेट्स बनाए गए। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हर यूनिट और डिस्ट्रिक्ट से लिए गए थे, क्योंकि हर वेन्यू जो प्लेस ऑफ स्टे था उस पर एक एक DCP डिप्लॉयड थे। 24/7 डिप्लॉयमेंट था। G20 समिट हमारे सबके लिए बहुत ही एक बड़ा इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट, जहाँ इतने हेड ऑफ स्टेट्स इकट्ठा हो रहे थे। तो इसकी प्रिपरेशन भी 6 महीने से चल रही थी। और इसमें हमारा PHQ लेवल पर एक G20 सेल बना था जो सारी कोऑर्डिनेशन कर रहा था बहुत सारे यूनिट्स और डिस्ट्रिक्ट्स की और वेन्यूज़ की और जो हमारे होस्ट थे मिनिस्ट्रीज़ की, इन सब के साथ लाइजनिंग करने के लिए 6 महीने से इसमें दिन रात काम चल रहा था। तो इसी के चलते जो प्लानिंग हुई उसमें बहुत सारी यूनिट्स थी, ये नहीं कि सिर्फ जो डिप्लॉयड थे। तो पीछे की हम पर्दे के पीछे की बात करें तो हमारी प्रोविजन एंड लाइंस यूनिट है, उन्होंने बहुत काम किया क्योंकि कई चीज़ें इक्विपमेंट्स नए खरीदे जाने थे, इतना बड़ा सिक्योरिटी अपरेटस था। इसके अलावा गाड़ियाँ कैसी लगेंगी, कारकेट कैसा बनेगा उसके ऊपर था। फिर हमारी यूनिफॉर्म क्या रहेगी कि हमने जब सिक्योरिटी के साथ ड्रिल करना है, अपने इतने सारे लोग लगाने हैं तो वो वर्दी में नहीं रह सकते, तो उनके लिए एक सेपरेट यूनिफॉर्म बनेगी, उसकी प्रोविजन होनी थी। लॉजिस्टिक्स में कि खाना कैसे पहुंचेगा पुलिस वालों को जब वो इतने दिन दिन रात काम करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो प्रोविजनल लाइंस ने की। इसके अलावा ट्रैफिक ने बहुत इलेबोरेट प्लान बनाए, जब पता लगता था कि कौन कौन से होटल्स में बुकिंग हो रही है तो कितने वेन्यूज़ पर उनको ट्रैफिक अरेंजमेंट करना है, कहाँ से कौन से रूट्स होंगे, कौन से कंटिंजेंसी रूट्स होंगे कि अगर एक रूट पर इशू आता है और कैसे दो कारकेड्स हैं उनका कन्फ्रंटेशन ना हो, कि उनको कैसे अलग रखा जाए, पैरेलली कैसे मूव किया जाए। तो सेकंड सेकंड के हिसाब से हमारी रिहर्सल्स हुई हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा हमारा कॉम्पोनेंट इसमें सिक्योरिटी यूनिट का भागीदारी थी, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो सिक्योरिटी प्रदान करती है VVIPs को, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बाकी यूनिट्स को गाइड किया कि कैसे करना है, जब एग्जीक्यूशन पर आया तो कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो उनकी भी बहुत गाइडेंस रही हर वेन्यू के ऊपर, हर प्लेस ऑफ स्टे के ऊपर। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इसके अलावा हमारी कम्युनिकेशन यूनिट है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया क्योंकि कितने सारे पैरेलल जो हमारे वायरलेस से मैसेजेस आने थे तो उसके लिए बहुत सारे नेट्स बनाए गए, एक वेन्यू का, एक पूरे समिट का, फिर एक टॉप मैनेजमेंट का, फिर ऑपरेशंस का, ताकि फ्लॉलेस कम्युनिकेशन रहे और सबको पता हो जो भी रेलेवेंट हैं उस वर्टिकल के लिए कि कहाँ पर मूवमेंट हो सकती है, कहाँ कुछ अगर इशू आए तो उसको कौन रिस्पॉन्ड करेगा। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफ़ी, DGHS, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, स्ट्रैटेजी करी, एडवांस्ड एम्बुलेंसेस का डिप्लॉयमेंट, उसका भी लाइजनिंग, फिर पूरा अदर जो पैरामिलिट्री हैं और अदर स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन था। और इसके अलावा फिर हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हर यूनिट और डिस्ट्रिक्ट से लिए गए थे, क्योंकि हर वेन्यू जो प्लेस ऑफ स्टे था उस पर एक एक DCP डिप्लॉयड थे। 24/7 डिप्लॉयमेंट था। और वेन्यू आपको पता ही, ITPO बहुत बड़ा वेन्यू था, वहाँ पर भी बहुत सारे DCPs एज जोनल इंचार्ज लगाए गए थे और हमारे स्पेशल CP HRD उस वेन्यू को हेड कर रहे थे। तो वो भी बहुत बड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग एक वो रहा। और ऑफ कोर्स मेरी अपनी यूनिट PR, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो हम लोग भी मीडिया, वहाँ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर देख रहे थे और साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर बहुत काम किया, ताकि लोगों को बता सकें क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, क्या किस किस तरह से वो अपना रूट ले सकते हैं। तो उसका भी लास्ट 15 डेज में बहुत एक कंसर्टेड कैंपेन हमने चलाया, जिसमें हमने FM के RJs हैं उनको रोप इन किया और मीडिया को किया, तो काफ़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों के ज़रिए हमने लोगों तक पहुँचाई। तो ये, और एयरपोर्ट का तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि एयरपोर्ट का भी बहुत ही मेजर रोल था, सारे इतने सारे फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे थे, ऊपर से हमारे हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे थे, तो वहाँ पर भी बहुत सिक्योरिटी को लेके बहुत अच्छे प्रोटोकॉल ग्राउंड पर एस्टेब्लिश किए। तो ओवरऑल मतलब ये पूरी दिल्ली पुलिस का ही एक प्रोग्राम था और सबने इसमें मतलब
24/7 काम किया, बहुत कई ऑफिसर्स तो बहुत कम सोए, और लेकिन कंटिन्यूसली काम हुआ इस पर, और यही कारण है कि 3 दिन ऐसे इतने सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स के रहते, बहुत ही सीमलेसली और बढ़िया से अरेंजमेंट हुआ।